हेलो डियर ऑडियंस दिस इज सिद्धि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले तो हम ब्रीफली वंस अगेन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन या दूसरे पर्सन से पहले पर्सन की तरफ जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है दस कम्युनिकेशन मीन्स टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन फैक्ट्स और ओपिनियंस ऑफ समवन, किसी दूसरे की दी गई इंफॉर्मेशन को समझना हकायक को समझना या ओपिनियंस को समझना कम्युनिकेशन है अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बेस पर कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन एंड डायगनल कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉड ऑफ एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन ऑरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन अब हम कम्युनिकेशन को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजेंटल एंड डैगनल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन फिर oral communication और कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्मली एस्टैबलिश चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेजिग्नेटेड सीट्स होती हैं या डेजिग्नेटेड डिफरेंट डेजिग्नेशन पर पर्सन बैठे होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मे बी ऑरल और रिटर्न ये ऑरल भी हो सकती है या रिटर्न भी हो सकती है अब फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय मैनेजर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं वो इस कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं इट इज़ हेरिकल इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद द सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप हेरिकल का मतलब है ये येदे के लिहाज से होती है कभी कोई कोईदे के लिहाज से बड़ा अपने छोटे को यानी अपने जूनियर को या सब ऑर्डिनेट को कोई इंफॉर्मेशन मुंतकिल करता है उसको भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है या कोई सब ऑर्डिनेट उहदे में छोटा किसी अपने सुपीरियर को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है तो वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में शामिल होती है जनरली, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली लिंक्ड विद फॉर्मल स्टेटस एंड पोजीशंस ऑफ अ पर्सन किसी के फॉर्मल स्टेटस या पोजीशन, यानी उसका जो स्टेटस या उसकी जो डेजिग्नेशन है उसके साथ इसको लिंक किया जाता है इट मे बी अपवर्ड डाउनवर्ड और हॉरिजेंटल फॉर्मल कम्युनिकेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है डाउनवर्ड या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी हो सकती है अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशंस। पर्सनल रिलेशन जो इंसान के जाति ताल्लुक होते हैं चाहे वो उसका कोई दोस्त हो सोसाइटी सोसाइटी में रहने वाला कोई भी इंसान हो सकता है उसके में, उसके फ्रेंड्स में या कोवर्कर्स में भी हो सकता है इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड अनऑफिशियल एंड अनप्लान अगर किसी भी ऑफिस में किसी भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों में दोस्ती हो जाती है तो उनकी जो पर्सनल कम्युनिकेशन होगी उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे उसको हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे इट डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चैनल इस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इस कम्युनिकेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो इस्टैब्लिश नहीं करती इट ऑफन फ्लोज बिटवीन फ्रेंड्स एंड इंटीमेट्स एंड रिलेटेड टू पर्सनल रैदर देन पोजिशनल मैटर्स ये डेजिग्नेशन के लिहाज से कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं करती बल्कि ये दोस्तों के दरमियान या को वर्कर्स के दरमियान पाई जाती है इट कैन नॉट बी डेमांसट्रेटेड ऑन द चार्ट एंड नॉट रेगुलेटेड बाई फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स इसमें कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते कोई इसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता द इंफॉर्मेशन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज बिल्ड अराउंड द सोशल रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स होते हैं अफराद होते हैं उनका जो सोशल रिलेशनशिप होता है चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या कोई और रिलेशन हो तो उनकी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होती है जो उनके दरम्यान जितने भी कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है अब हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहली जो टाइप है कम्युनिकेशन की वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है इसको हम जरा समझते हैं कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सुपीरियर्स टू सब इन अ चेन ऑफ कमांड इज़ नाउन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन अ चेन ऑफ कमांड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ऊपर जो ऑनर होता है या सुपरवाइजर होता है उसके नीचे जो काम करने वाले उसके अंडर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो उसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जब वो उनको कोई कमांड बताता है या कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं च टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पॉलिसीज प्रोग्राम्स एटसेट्रा इट मे बी रिटर्न आर वर्बल रिटर्न भी हो सकती है या वर्बल भी हो सकती है जी फॉर्मल uh, कम्युनिकेशन की नेक्स्ट टाइप है अपवर्ड कम्युनिकेशन वेन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड फ्राम बॉटन टू टॉप ऑफ दर्गेनाइजेशनल हेरारकी ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी वही बात होगी है जो सबसे ऊपर होता है वो सुपीरियर होता है फिर उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं अब बात बिल्कुल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अपोजिट है इट इज नाउन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी जब सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर्स को कम्युनिकेट करें कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन दें तो उसको हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन द मेन फंक्शन ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट जो ऊपर के लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है इट इज असेंशली पार्टिसिपेटिव इन नेचर एंड कैन फ्लरिश ओनली इन आर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वामेंट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वामेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा सकता है जिसमें जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जो निचले दर्जे के वर्कर्स होते हैं उनको उनसे जब इंफॉर्मेशन ली जाए या उनको इंफॉर्मेशन देने की परमिशन हो तो उसमें ये फ्लरिश uh, कर सकती है इट मे भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट यह प्रोग्रेस रिपोर्ट की सूरत में भी हो सकती है सजेशंस, ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स ग्रीवेंसिस और कंप्लेंट्स शिकायत को कहा जाता है जिसमें नाराजगी का इजहार किया गया हो औरजेंटल कम्युनिकेशन व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर वर्किंग एट सेम लेवल्स इट इज़ नाउन एज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रैंक या एक ही लेवल पर काम करने वाले दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस मोस्टली ड्यूरिंग अ कमेटी मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिस जब कमेटी मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में एक ही रैंक के बंदे बैठे होते हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन दी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन इज टू एस्टेब्लिश इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन यानी एक ही रैंक के एक ही डिपार्टमेंट के बंदे आपस में कॉर्डिनेटिश कोर्डिनेशन के जरिए उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चला रहे होते हैं जी नेक्स्ट टाइप है डायगनल कम्युनिकेशन डायगनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सनस एट अ डिफरेंट लेवल अक्रॉस डिपार्टमेंटल लाइंस, डिपार्टमेंटल लाइन में मुख्तलिफ लेवल पर जो पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसको डायगनल कम्युनिकेशन कहा जाता है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के दरमियान नहीं होती बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल के पर्सन के दरमियान भी हो सकती है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज to spread information at different levels of an organization to improve understanding and coordination, coordination so as to achieve organizational objectives. thus, where the persons who are neither working in the same department nor have similar level are communicated. to ismay, diagonal communication may. muhtalif organization may come. चाहे वो सिमिलर रैंक के ना भी हों या इक्वल रैंक के ना भी हों वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए उसको हम डायगनल कम्युनिकेशन कहते हैं इट इज सेट टू बी डायगनल कम्युनिकेशन इट कट्स अक्रॉस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लेवल या रैंक्स होते हैं ये इट कट्स दैम अक्रॉस ये उन चीज़ों से बाला है अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन कहते हैं तसरात को इशारों को जेस्टर्स जेस्टर्स बॉडी जेस्टर्स जो हम अपने हाथों से या बाकी फेस एक्सप्रेशन से साइंस देते हैं और पोस्टर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस टोन ऑफ वॉयस एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स अब एक तरह की कम्युनिकेशन ये भी है कि हम हाथों से इशारे कर दें या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हैप्पीनेस का इजहार कर दें एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर दें या एंगर को एक्सप्रेस कर दें टोन ऑफ वॉयस हमारी जो आवाज़ की टोन है आवाज़ का ऊंचा होना आवाज़ का धीमा होना ये सब एक हिडन मैसेज प्रोवाइड करती हैं देखने वाले को एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स और हम अपने बाकी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मूव करके भी देखने वाले को कोई मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अदर देन वर्ड्स एक इस तरह की इंफॉर्मेशन इस तरह की कम्युनिकेशन है जिसमें हम विदाउट यूजिंग द वर्ड्स दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इट कन्वेज द फीलिंग इमोशंस एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टू अनादर हम फीलिंग्स एहसास का इजहार कर सकते हैं इमोशंस जज्बात का एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन जबकि रवैये से भी पता चल जाता है हमारे जो रवैये है एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो भी दूसरे को एक मैसेज पहुँचाता है अ पर्सन कैन कम्युनिकेट हिज फीलिंग टू अदर्स क्विकली एंड इकोनॉमिकली बाई यूजिंग अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन्स दिस डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ वर्ड्स एज अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स बाई हिज बॉडी लैंग्वेज जी नेक्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स इधर रिटर्न औरल वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा वर्ड्स के जरिए से एक्सप्रेस की जाती है वो वर्ड्स रिटर्न फॉर्म में भी हो सकते हैं या स्पोकन फॉर्म में यानी औरल भी हो सकते हैं verbal communication consists of speaking, listening, writing, reading, etc. verbal communication means speaking, listening, writing or reading shamil hai. it is the most preferred mode of communication. it may be of two types of verbal communication. verbal communication may, two types, uh, ho sakti hai. first is oral communication and the second one is written communication. अब हम पहले ऑरल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं वेन आर मैसेज इज एक्सप्रेस थ्रो स्पोकन वर्ड्स, जब बोल चाल के जरिए बात करके हम कोई मैसेज एक्सप्रेस करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं इट मे बी आइदर थ्रू फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन्स या तो हम आमने सामने किसी से बात कर रहे हों और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉड या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मॉड के जरिए बातचीत कर रहे हों चाहे हम फेस टू फेस बात ना भी कर रहे हों सच एज टेलीफोन जैसे हम टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं सेलुलर फोन एक्सेट्रा इट मे ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ऑरल कम्युनिकेशन हम फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है जबकि उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है ग्रुप डिस्कशन मीटिंग एक्सेट्रा इट इज अ मोर इफेक्टिव मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज द रिसीवर नॉट ओनली हेयर्स द मैसेज बट ऑल्सो ऑब्जर्व द फिजिकल जेस्टर ऑफ द स्पीकर यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव मीन है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का क्योंकि इसमें स्पीकर के स्टाइल का पता चल रहा होता है उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन का उसकी जो वॉइस ऑफ टोन ऑफ वॉइस होती है उसका भी पता चल रहा होता है उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की वेन ओपीनियंस आर एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर्म रेदर दैन बाई स्पोकन वर्ड्स इट इज़ नाउन एज रिटर्न कम्युनिकेशन जब ओपिनियंस मैसेज या इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में एक्सचेंज की जाती है उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं इट मे बी एक्सप्रेस थ्रो चार्टिकर्स एंड डायग्राम्स इसमें चार्ट भी शामिल हैं पिक्चर्स डाइग्राम्स भी शामिल हैं या रिटर्न वर्ड्स भी इसमें शामिल हैं इट इंक्लूड्स न्यूज पेपर्स रिपोर्ट लेटर्स सर्कुलर्स मैगजीन्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें रिटर्न कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं वाइल यूजिंग रिटर्न कम्युनिकेशन वर्ड शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली रिटर्न कम्युनिकेशन करते हुए हमें अल्फाज का चुनाव बड़े केयरफुल अंदाज में करना चाहिए बिकॉज मैसेज वन सेंट कैन नॉट बी अल्टर क्योंकि एक बार रिटर्न कम्युनिकेशन में जो बैग भेजा जाए तो उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती इट इज़ फॉर्मल इन नेचर ये रिटर्न कम्युनिकेशन मोस्टली फॉर्मल होती है एंड कैन नॉट बी ओवर लुक्ड और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसमें इग्नोरेंस की कोई गुंजाइश नहीं होती थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो